प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों को हम YouTube वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की के बारे में बता चुके थे। आज है राजनीतिक एकता की स्थापना, कि भारत में किस तरह से राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान शासकों को भी यातायात के साधनों के अभाव के कारण, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन ब्रिटिश शासन संपूर्ण देश को एक केंद्रित शासन के अंतर्गत लाने में सफल हुआ। आवागमन के साधनों ने उन्हें इस कार्य में पूर्ण सहायता प्रदान की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ संपूर्ण भारत में सर्वत्र एक सी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के न चाहते हुए भी भारत में एक राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। कैसे? जैसे ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकता उत्पन्न करना नहीं था, लेकिन पूरे देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश पहली बार राजनीतिक एकता की दृष्टि से एक इकाई बन गया। पंडित नेहरू के शब्दों में सही कहा है, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया। नेक्स्ट है बच्चों, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। डॉक्टर जकारिया ने अपनी पुस्तक रिसेंट इंडिया में ठीक ही लिखा है कि भारत की पुनर्जागृति मुख्यतः आध्यात्मिक थी तथा एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने के पूर्व इतने अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके बारे में हम कल अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी कोलब्रुक राय, ए वी कोच, डॉक्टर भंडारकर और हरप्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के समुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपियन सभ्यताओं से हीन नहीं था। मध्य एशिया के कार्य कर रहे यूरोपियन विद्वानों ने भी इस तथ्य को भी प्रकट किया कि भूतकाल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य प्राचीर मलाया, इंडोनेशिया और मैंकॉक की उपजाऊ घाटी तक विस्तृत रहा है। इस ऐतिहासिक अनुसंधानों ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों में अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और उज्जवल भविष्य का चित्र भी प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है बच्चों, पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा से अभिप्राय है कि अपने भारत के जो विद्वान थे या भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के भी थे, उन्होंने पश्चिम में जाकर वहाँ की यानी अंग्रेजी को सीखा और अंग्रेजी का बोलबाला हुआ, और अंग्रेजी भाषा को सीखने के बाद उन्होंने बहुत सारा साहित्य का अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने भारतीयों के लिए लोकतंत्रवादी शासन व्यवस्था को समझा और भारत में भी इस तरह की शासन व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की। जैसे भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हों किंतु रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हों। कुछ सीमा तक अंग्रेज इस मनोरथ में सफल भी हुए, क्योंकि कुछ शिक्षित भारतीयों ने प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति से विमुख होकर स्वयं को पाश्चात्य रंग में ढाल लिया था। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का एक दूसरा पक्ष यह भी था कि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण था, अतः इसे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला। इस दृष्टि से पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए एक ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुई।
पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीय सर्वोत्तम अंग्रेज विचारकों के संपर्क में आए। उन्होंने जैसे मिल्टन, बर्क, मिल, मैकाले और हर्बर्ट स्पेंसर आदि विद्वानों के संपर्क में आए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया और राष्ट्रीयता और स्वराज्य की भावनाओं का संचार हुआ। उसके संकीर्ण विचारों में परिवर्तन हुआ और उनका दृष्टिकोण व्यापक हो गया। इन सबके परिणाम स्वरूप उनका तत्कालीन राजनीति से असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। भारतीय पर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के संबंध में A.R. देसाई लिखते हैं कि शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता सेनाओं के संबंध में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये शिक्षित भारतीय जगत में राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता थे। नेक्स्ट है भारतीयों का विदेश गमन, यानी 19वीं शताब्दी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे। उन्होंने वहाँ प्रजातांत्रिक सिद्धांतों तथा संगठन को रूप में देखा और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा। इन विचारकों और सिद्धांतों को प्रभावित हुए और उस दिन का सब स्वप्न देखने लगे जब भारत में भी प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप प्राप्त होगा। गुरुमुख न्याल सिंह का कथन है कि इंग्लैंड ने उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि का गहरा ज्ञान प्राप्त हो गया। वे स्वतंत्रता और स्वाधीनता का मूल समझ गए तथा उनके मन में जगी हुई दासता की मनोवृत्ति हट गई। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। मुनरो ने लिखा है, एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसका अभिप्राय यह है कि बच्चों, मतलब एक स्वतंत्र प्रेस यानी लिखने की, बोलने की, इसकी पूर्ण स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। दोनों में टकराव होना स्वाभाविक है, अर्थात वह साथ साथ नहीं चलती। भारतीय समाचार पत्रों में भी वह बात पूरी उतरती है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से देश में प्रेस का विकास हुआ और समाचार पत्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी पत्रों के में भारतीय विरोधी प्रचार किया जाता था और भारतीयों को विदेशी शासन की त्रुटियों से परिचित कराया जाता था। इस श्रेणी के समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी 1821, बॉम्बे समाचार 1882, बंगदूत 1831 आदि समाचार पत्रों का विशेष योगदान है। इसके साथ ही नेक्स्ट है बच्चों आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष का मतलब है कि भारतीयों की आर्थिक नीतियों को इस तरह से अंग्रेजों ने प्रभावित किया कि भारतीयों में आर्थिक असंतोष की भावना पैदा हुई। राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुरूप हमेशा ही कुछ हद तक धार्मिक और कुछ हद तक आर्थिक कारणों से ही हुआ है। यह कथन भारतीय राष्ट्रीयता पर पूरे रूप में घटित होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करते हुए इस देश का आर्थिक शोषण करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस देश के आर्थिक शोषण का ही यह परिणाम था कि जिस भारत को 17वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के संबंध में 1900 ईस्वी में सर विलियम ने लिखा है, करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट खाना नहीं मिलता। इस पतन की दूसरी विशाल है
है। कंपनी के शासन के उद्योग धंधों को चौपट करना शुरू कर दिया, व्यापार का पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर लिया और भारतीय जनता निर्धनता और भुखमरी का शिकार होती चली गई। उन्होंने उद्योग धंधों के विनाश का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उद्योग धंधों में कार्य करने वाले व्यक्ति कृषि की ओर झुके, जिसमें भूमि का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया। ये कृषि की उन्नति और कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की दशा शोचनीय होनी प्रारंभ हो गई। आए दिन वे अकालों की स्थिति से और भी अधिक बर्बाद होते चले गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोपालनाथ ने 1877 में लिखा है कि ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए हमारे पास विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की नीति के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। इसमें देखिए बच्चों, 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जाएगा और किसी भी भारतीयों को धर्म, जन्म स्थान, देश और वर्गों के कारण कोई पद प्रदान करने में बाधा नहीं उपस्थित होगी। इस प्रकार की नीति को 1858 की साम्राज्य की घोषणा में भी दोहराया गया, लेकिन व्यवहार में इस नीति का पालन करने में के स्थान पर उसे भंग ही किया गया। भारतीयों को उच्च पदों, विशेषतः भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS से अलग रखने के विधिवत प्रयत्न किए गए। इस सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष थी। परीक्षा केवल इंग्लैंड में ही होती थी और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। ऐसी स्थितियों में भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में प्रवेश करने हेतु ब्रिटेन वासियों से प्रतियोगिता करना अत्यंत कठिन था। इतना सब कुछ होते हुए भी यदि सुरेंद्रनाथ बनर्जी या अरविंद घोष जैसे मेधावी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाते थे, घुड़सवारी जैसे गौण पात के आधार पर ही उन्हें सेवा से में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस तरह से भारतीयों को ICS जैसी सेवाओं से वंचित रखने का एक उन्होंने ये चाल चली। सन 1877 में नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष के स्थान पर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीयों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल होना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश सरकार के इस कार्य का विरोध करने और इस प्रश्न का राष्ट्रीय जनमत के निर्माण हेतु संपूर्ण देश में भागदौड़ की। सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जा सकता। इस प्रकार भारतीयों के उच्च पदों से अलग रखने की नीति प्रभावशाली शिक्षित भारतीयों में असंतोष की ज्वाला पैदा की। जाति विभेद, जिसके बारे में बच्चों अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि जाति यानी जाति पाति के ऊंच नीच की भावनाओं को अंग्रेज़ों ने लागू किया और भारतीय मुसलमानों और इन सबको आपस में अलग करने की नीति अपनाई, यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उन्होंने भारतीयों का शोषण किया। तो कल हम पढ़ते हैं बच्चों जाति विभेद की नीति। धन्यवाद।